आज हम डबल क्रोशे, सिंगल क्रोशे, ट्रिपल, इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो जिन्हें क्रोशा पहली बार पकड़ रहे हैं वो क्रोशे को इस तरह से पकड़ सकते हैं, इस तरह से और इस तरह से पेन जैसे पकड़ सकते हैं, और धागे को इस तरह से लेके और इसमें उंगली में लेना है। अब नॉट बनाने के लिए क्रोशे को ऐसे ऊपर रख के इस तरह से नीचे लेना है और इन दो उंगलियों से इसको पकड़कर ऐसे बाहर निकालना है। ये बन जाएगी नॉट। अब चेन, नॉट आप इस तरह से भी बना सकते हैं, उंगली में लेना है, फोल्ड करना है और इस तरह से। ये बहुत इजी है, इस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब चेन क्रोशे को ऐसे करके ये धागे के नीचे ऐसे करके और इस तरह से चेन, ये इस तरह से चेन। ये इस तरह से चेन आती है। और थोड़ी करके दिखाती हूँ आपको। इस ऊन से नीचे से लेकर इस तरह से ये चेन। अब मैं आपको सिंगल क्रोशे दिखाती हूं। सिंगल क्रोशे में ये तो फाउंडेशन चेन, कोई भी वर्क करेंगे ये फाउंडेशन चेन बनानी आपको जरूरी है, उसके बाद ही इस पर कोई भी वर्क किया जा सकता है। इस और वर्क शुरू करने का है, ये वाला चेन फर्स्ट चेन पे नहीं करेंगे, सेकंड चेन से स्टार्ट करेंगे। तो सिंगल क्रोशे, ये जो वी, ये वी आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला वी, वी ये सब चेन है, ये सब ये। अब ये क्रोशे को इधर इसमें डालना है, ऐसे बाहर निकालेंगे और ये सिंगल क्रोशे एकदम सिंपल है, सिर्फ इस वी में इस क्रोशे को इंसर्ट करना है और ये धागे को ऐसे निकालना है, ये इंसर्ट किया। अब मैं आपको ये पूरा करके दिखाती हूँ। और अब डबल क्रोशे दिखाती हूँ कैसे बनता है। ये नॉट बनाई, अब पहले चेन लेंगे फिर डबल क्रोशे लेंगे। डबल क्रोशे में ये क्रोशा ऊन से, ऊन के नीचे से लेके और वही दूसरे वाले पहले दो फिर दो क्रोशे को राउंड नीचे से उस वी के अंदर डालकर
डबल क्रोशा इस तरह से दिखता है। अब आप हाफ डबल क्रोशिया कैसे बनाते हैं, पहले वही चेन बनानी है। क्रोशे को ऊन से इस तरह से उसके नीचे लेके जाने की, चेन में डालना और इस आपके पास अब ये एक दो और तीन तीन फंदे हैं, तीन चेन है, इन तीनों में से एक साथ बाहर निकालना है। डबल क्रोशे लेते हैं वैसे ही करना है, लेकिन डबल क्रोशे में पहले दो चेन फिर दो चेन, लेकिन इसमें ये जो तीन चेन है इन सब तीन चेन में से एक साथ यार्न को बाहर लेना है। फिर से ये हाफ डबल क्रोशा। अब ये है स्लिप स्टिच कैसे बनती है, वही चेन बनानी है और इस तरह से निकाल के अब इस धागे से करना नहीं है, जो धागा क्रोशे में लेके अपन चेन में से निकाला है उसी से ये बाहर की तरफ निकालेंगे। ये चेन में डाला क्रोशे और ये और इसी को इस धागे में से भी चेन में से निकालेंगे। फिर से एक बार देखिए, ये चेन में क्रोशा लिया और ये धागे को पकड़ के इसमें से निकालेंगे, क्रोशा इसमें लेंगे, इसको इसे निकालेंगे और ये क्रोशा भी ऐसे इस तरह से ये स्लिप स्टिच। ये आपको दिखाती हूं मैं करके फिर से पूरा। ये देखिए अब ये ट्रिपल क्रोशे, इसमें डबल क्रोशे में जैसे एक फोल्ड होता है वैसे ये अब दो, एक और ये दो। अब ये अपने पास चार चेन चार फंदे हैं, अब इनमें से दो दो करके पहले दो फिर दो फिर दो फिर दो फोल्ड, फिर ये चेन, ये दो चेन में से निकाले, फिर ये दो चेन, फिर ये दो चेन, फिर दो फोल्ड, इस तरह से दो चेन, दो चेन और ये दो चेन।
और दिखाती हूँ। सॉरी, दो फोल्ड, दो चेन, ये दो और ये दो, दो फोल्ड, ये दो। एक बार फिर दिखाती हूँ, ये है स्लिप स्टिच। ये सिंगल क्रोशे, ये हाफ डबल, ये डबल क्रोशे और ये ट्रिपल क्रोशे। इसमें और भी इन सब, ये सब मेन है, इनको आना जरूरी है। और ये एक बार आपने सीख ली तो ये सारी चीज आपको क्रोशिया बनाना आसान हो जाएगा। सिंगल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे, डबल क्रोशे, ट्रिपल क्रोशे। मैं अपने अगली वीडियो में आपको सर्कल और उससे क्या क्या बना सकते हैं वो बना के दिखाऊंगी। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।